बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। रखते हैं जो हौसला आसमान छूने का, उनको परवाह नहीं कभी गिर जाने की। आखिरी खिलाड़ी कौन? जी हाँ, जिसके होंगे हौसले बुलंद बस वही होगा सर बुलंद। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आखिरी खिलाड़ी कौन। मैं हूँ आपकी होस्ट सनम जंग और आज एक मरतबा फिर एक नया एपिसोड नई एनर्जी के साथ कुछ नए कंटेस्टेंट्स मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। 10 नए कंटेस्टेंट्स लेकिन जीतेगा सिर्फ एक, कहलाएगा सिर्फ एक आखिरी खिलाड़ी कौन। जानने के लिए मिलते हैं अपने कंटेस्टेंट से। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि हम शो को शुरू करें, मैं आप लोगों के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरी ऑडियंस जो देख रही है इस वक्त, आप लोगों को जानना चाहती है, तो प्लीज बारी बारी आप लोग अपना इंट्रोडक्शन करें। हेलो, मेरा नाम आमिर है और मैं फैशन डिजाइनर, आर्ट डिजाइनर, आर्ट टीचर एंड स्केच डिजाइनर हूँ। इट्स मी तैयबा, आई एम डेंटिस्ट फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कामरान रफीक फ्रॉम कराची। आई एम क्रिकेटर, आई वेरी फाउंड ऑफ प्ले क्रिकेट एंड आई वांट टू बी अ क्रिकेटर। थैंक यू। इट्स मी लारिब शाहिद, आई एम प्रोफेशनल मॉडल। हेलो, माय नेम इज हुनैन इखलास एंड आई एम डूइंग बैचलर फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ मॉडल। हेलो, दिस इज मी सऊद नसीम, आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम हमदर्द यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज अरीबा, आई एम फ्रॉम कराची एंड आई एम सिंगर। थैंक यू सो मच। Hi, this is Muhammad Yusuf. I am a teacher by profession. I have done master from the University of Malakand and I hail from KPK. Hello, this is Hamza Kamar. I am from Karachi. I am doing fashion designing from Iqra University and my passion is singing. Thank you. तो फिर शुरू करें, आखिरी खिलाड़ी कौन? All right, game के rules क्या हैं? Game का format क्या है? आपको समझाऊंगी तो गौर से सुनिएगा क्योंकि हर round का दुरानिया मखसूस वक्त तक होगा। यहाँ सबको एक team बनकर खेलना होगा। मैं आपसे एक वक्त में एक सवाल पूछूंगी, अगर आप तमाम दुरुस्त जवाब देते हैं तो आप उस राउंड का टॉप प्राइज जीतेंगे। हर राउंड में 8 दुरुस्त जवाबात की चेन आपके बैंक में टॉप प्राइज जमा करा देगी, लेकिन एक गलत जवाब या पास कहना मनी चेन को तोड़कर आपको सिफर पर वापस ले आएगा। लेकिन अगर आप सवाल पूछने से पहले बटन दबा दें और बैंक कहें तो फिर आपकी रकम महफूज हो जाएगी और मनी चेन का नया सिलसिला शुरू हो जाएगा जो मुकर्रर किए हुए वक्त तक सवालात को जारी रखेगा। याद रखें, चेन टूटने के बाद पहले सवाल पे बैंक अकाउंट नहीं होगा और आप सिर्फ बैंक की भी ही रकम आखिरी राउंड तक ले जा सकते हैं। ज्यादा सही जवाबात की चेन और बरवक्त बैंक का हो जाना आप में से किसी एक को जिता सकता है टॉप प्राइज यानी बड़ा प्राइज। तो शुरू करते हैं, आखिरी खिलाड़ी कौन। पहला राउंड 3 मिनट का होगा। कुल मिला के एज अ टीम आप लोग 8 राउंड खेलेंगे। 9 राउंड में सिर्फ आप में से 2 लोग बचेंगे। आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि वो 2 आप में से कोई एक, यानी आप में से कोई 2 ही हो। जैसे जैसे राउंड्स आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप में से कोई एक माइनस होता जाएगा, एलिमिनेट होता जाएगा, कटता जाएगा। इज दैट क्लियर? यस। पहले राउंड का मनी ट्रेल आपको समझाना चाहती हूँ। पहले राउंड का जो टॉप प्राइस है वो है 50,000 रुपए का। यानी इस राउंड में 3 मिनट के अंदर आपसे बहुत सारे सवाल होंगे। आप लोग टोटल इस राउंड में 50,000 रुपए तक का टॉप प्राइस जीत सकते हैं अगर सही से खेले तो। आप सबको मनी ट्रेल समझाती हूँ। पहला सवाल 1,000 रुपए के लिए, दूसरा 2,500 के लिए, तीसरा 5,000 के लिए, चौथा 7,500, पांचवा 10,000 रुपये, छठा सवाल 15,000 रुपये के लिए, सातवा 25,000 रुपये और फाइनली आठवां सवाल 50,000 रुपये। यानी आपके और 50,000 रुपये के दरमियान सिर्फ और सिर्फ 8 सही जवाब है। अगर आप चेन तोड़े बगैर बारी बारी हर सवाल का सही जवाब दे तो 50,000 रुपये आपके बैंक में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप में से कोई गलत जवाब देता है, पास कहता है, तो ये चेन टूट जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया, आप फिर जीरो से शुरू करते हैं, यानी फिर 1,000 रुपए से फिर 2,500 फिर ऊपर आएंगे, वो मुश्किल हो जाएगा। तो शुरू करते हैं राउंड 1। 3 मिनट का वक्त शुरू होगा अरीबा आपसे और आपका वक्त शुरू होता है अब। दुनिया का सबसे ज्यादा खुश्क और हवादार कॉन्टिनेंट कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, अंटार्कटिका या फिर ऑस्ट्रेलिया? अंटार्कटिका। करेक्ट। यूसुफ, टिश्यूज बॉडी के अहम जुज होते हैं, इनमें से कौन सा टिश्यू है? ब्लड,
Lungs, kidney, ovary. Blood. Correct. Hamza, 8 September 2022 को United Kingdom का King कौन बना था? Charles II, Charles III, Andrew II. Charles III. Correct. Amir, वो कौन सा planet है जो कि सूरज के गिर्द सबसे ज्यादा high speed में घूमता है? Jupiter, Venus, Mars या Mercury? Mars. Mercury. तैयबा, विटामिन डी की कमी से कौन सी डिजीज होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, स्कर्वी या पे हेयर फॉल? पास. रिकेट्स. कामरान. बैक. कोल्ड कंट्रीज में विंटर में बर्फ को मेल्ट करने के लिए क्या मिलाया जाता है? सॉल्ट, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वाटर? सॉल्ट. करेक्ट. लारेब, -4² + (-4)² = 0, 1, -32 या 32? पास. जीरो. जहांगीर, इंटरनेशनल कॉमर्स सेंटर पीछे तस्वीर आ रही है, ये देखकर बताएं कि कहां वाके है? हांगकांग. करेक्ट. हुनैन, 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान को क्या ऑफिशियल नाम दिया गया था? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. करेक्ट. साउद, हलीमा सुल्तान के इंतकाल के बाद उस्मान गाजी को किसने पाला? उनकी वालिदा ने. गलत जवाब. सलजान खातून. अरीबा, ब्लाइंडनेस की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए. करेक्ट. यूसुफ, आवाज सुनकर बताएं कि ये कलाम किन की आवाज में है? हाजी गुलाम फरीद साबरी. करेक्ट. हमजा. बैंग. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर कॉल्ड? पास्कल. करेक्ट. आमिर, हर मुल्क का कोई ना कोई नेशनल एनिमल होता है, टाइगर किस मुल्क का नेशनल एनिमल है? इंडिया. करेक्ट. तैयबा, 11 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करें और 11 से माइनस करें तो आंसर क्या होगा? पास. 110. कामरान, यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क, रोम या फिर लंदन? न्यूयॉर्क. बिल्कुल सही जवाब. और यहां आपके 3 मिनट का वक्त होता है पूरा, मगर इस 3 मिनट के अंदर मुझे ऐसा लगा कि बैंक गलत गलत टाइम पे बोला है, जब आपके पास बैंक में कुछ था नहीं. लेकिन ये सारी बातें, डिस्कशंस, बैंक में क्या जमा किया वो मैं आपको बताऊंगी. लेकिन अभी आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है कि किसने अच्छा खेला किसने नहीं अच्छा खेला, ये वो वक्त है जहां आप मुझे बताएंगे कि कौन शख्स मजीद आगे नहीं जाएगा, यानी राउंड वन से राउंड टू में जाना उसको नहीं चाहिए. सामने आपके टैबलेट्स मौजूद हैं, वोटिंग का वक्त शुरू होता है अब. वो नाम टाइप करो, मुझ तक पहुँचाए वो नाम जो आगे नहीं जाएगा. गेम का स्टार्ट अच्छा रहा, चेन भी अच्छी चली, बैंक का इस्तेमाल गलत वक्त पर हुआ. अब देखना यह है कौन है वो शख्स जो अगले राउंड में नहीं जाएगा. हमजा इज प्रीटी श्योर. हाँ, हमजा ने अपना वोट कर दिया है जी. किसको किया? स्पेशली तैयबा. स्पेशली तैयबा. वाय, चले पूछूंगी आपसे तैयबा को क्यों किया, लेकिन एक वोट तैयबा का है. हुनैन. मैम, मैंने तैयबा को वोट करा है. सही है. आई गिव यू ऑल सम स्पेस ताकि आप लोगों के राज सिर्फ मेरे और आपके दरमियान रहें. ऑलराइट जी, तमाम नाम इस वक्त मेरे पास यहाँ मौजूद हैं. वो कंटेस्टेंट, 2 कंटेस्टेंट्स हैं जिनके बीच में जंग चल रही है कि कौन राउंड टू में नहीं जाएगा. एक लीड कर रहे हैं, एक लीड नहीं कर रहे, लेकिन इन दोनों में से कोई एक तो होगा जो यहाँ नहीं रहेगा. जिस के पास मेजॉरिटी वोट्स हैं, यानी वो कंटेस्टेंट जो राउंड टू की तरफ नहीं बढ़ेगा, उसके पास 2 वोट्स एक्स्ट्रा है दूसरे कंटेस्टेंट से. तमाम वोट्स इस वक्त मेरे पास यहाँ मौजूद है. जो कंटेस्टेंट आज यहां से जा रहा है, जहांगीर, वो आप नहीं है. मेजॉरिटी वोट्स जिस कंटेस्टेंट के खिलाफ है तैयबा, वो आप हैं. ये आपका पहला और आखिरी राउंड था. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन. गेम का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, यहाँ सारे ही बहुत अच्छे और कोऑपरेटिव थे, बहुत मज़ा आया यहाँ मुझे. बट ये है कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, इसलिए आगे नहीं चल पाई.
बाकी सारे बहुत ही अच्छे थे, सारे कॉपरेटेड थे। पहला राउंड कंप्लीट हो चुका है। तैयबा पहली कंटेस्टेंट यहां से एलिमिनेट हो चुकी है। राउंड टू की तरफ हम बढ़ रहे हैं और यही आपके दोस्त, आपकी टीम ही आपको माइनस करेगी, एलिमिनेट करेगी, आपको इस शो से बाहर करेगी। बैंक में आप लोगों ने पहले राउंड में जो 50,000 रुपए का टॉप प्राइज है उसमें सिर्फ 2500 रुपए जमा किए हैं। 2500 कैसे जमा किए? पहला सवाल था 1000 रुपए के लिए, दूसरा 2500 के लिए, यानी आपने सिर्फ दो सवालों के सही जवाब दिए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो गेम तो बड़ा अच्छा शुरू हुआ था। अरीबा से गेम शुरू हुआ था, अरीबा ने सही जवाब दिया, यूसुफ ने सही दिया, हमजा ने सही दिया, यानी तीन सही जवाब आए थे, मगर किसी ने बैंक नहीं किया, किसी ने बैंक नहीं किया। आमिर को जवाब नहीं पता था, हेंस आमिर ने पास किया, चेन टूट गई। तैयबा नहीं पता था, तैयबा ने पास किया। कामरान ने फिर सही जवाब दिया। आगे मतलब यहाँ बैंक गलत टाइमों पे हुआ है। आपने बैंक कहा था ना कामरान, आपने बैंक जब कहा तो आपको पता है बैंक में कुछ भी नहीं था। पूछे क्यों? क्योंकि यहाँ तीन सवाल के सही जवाब आए, चेन यहाँ टूटी, आमिर ने गलत पास कर दिया, तैयबा ने गलत जवाब दिया। तो जब आप गलत जवाब देते हैं, जब आप पास करते हैं तो चेन टूट जाती है, जब चेन टूट जाती है तो फिर आप सवाल नंबर वन से शुरू होते हैं, यानी आपके बैंक में कुछ नहीं होता, आप 1000 रुपए के लिए फिर खेल रहे होते हैं और आपने उस पर बैंक किया, यानी कुछ भी नहीं था बैंक करने के लिए, आप कुछ बचा नहीं सके, आप अपनी टीम की मदद नहीं कर सके। ये बात आपको समझने की जरूरत है। जहांगीर आपने भी बैंक कहा था, लारिब आपने सही जवाब नहीं दिया था, राइट? तो जब सवाल गलत होता है उसके बाद बैंक कहने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वक्त ज़ाया होता है, बैंक में कुछ नहीं आता। आई नो क्वाइट सरप्राइजिंग, राइट, कि हमने इतने सही जवाब दिए, बैंक में सिर्फ 2500 रुपए, बट नाउ यू गेट इट, गलत जवाब आपको जीरो पे लेके आएगा। नोटिस करें, जहन खोल के रखे, दो बैंक गलत टाइम पे हुए, सिर्फ एक बैंक सही टाइम पे हुआ जो कि हमजा ने किया और उसकी वजह से आपके पास 2500 रुपए बैंक में है। तैयबा चली गई, वरना मैं इनसे सवाल जरूर करती कि मैथ्स का इतना आसान सा सवाल था वो उन्होंने पास कर दिया, भले थोड़ा वक्त ले ले। अगर आपको लगता है कि आप जवाब सही दे सकते हैं, ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू राउंड नंबर टू। अब तक मेरे ख्याल से पहले राउंड के बाद आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि गेम का फॉर्मेट क्या है, पैसे किस तरह बनेंगे और किस तरह पैसे आप लोग गवा देंगे। दिमाग का गेम है, हाजिर रहें, दूसरों की खामियां और दूसरों की जो स्ट्रेंथ्स है वो भी देखें, क्योंकि जिसकी जो स्ट्रेंथ है उस कंटेस्टेंट को रखें जिसके पास स्ट्रेंथ है, क्योंकि वो ही आपको आखिर तक लेके जाएगा, ज़्यादा पैसे जितवाएगा, जो वीक है उसको माइनस करें। दूसरा राउंड 75,000 रुपये के लिए है, 2 मिनट 50 सेकंड का राउंड है। सवाल नंबर वन मनी ट्रेल आपको बताती हूँ 1000 रुपये के लिए, दूसरा सवाल 2500 के लिए, तीसरा 5000 के लिए, चौथा 7500, पांचवा 10000 के लिए, छठा 25000 के लिए, सातवा 50000 के लिए, आठवा 75000 के लिए। आपके और 75000 के दरमियान 8 सही जवाब, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा सही जवाब दें। शुरू करते हैं राउंड नंबर टू, यूसुफ आपसे शुरू करेंगे, आर यू रेडी? 2 मिनट 50 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। जब व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म में से गुजरती है तो कितने कलर्स में तकसीम होती है, 5, 6, 7 या फिर 8? 6। करेक्ट। हमजा, बैंक। 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 10^-3 meter, 10^-6, 10^-9। 5। 10^-9 meters। आमिर, सफर को महदूद करने के लिए डिफरेंट इन्वेंशंस हुई हैं, जेम्स वॉट ने क्या इन्वेंट किया था? ड्राइविंग बेल, स्टीम बोट, हॉट एयर बलून या फिर रोटरी स्टीम इंजन? रोटरी स्टीम इंजन। करेक्ट। कामरान, प्रिंसेस डायना के बहन भाई के नाम बताएं? सारा, जेन एंड चार्ल्स। करेक्ट। लारेब, अमेरिका के मौजूदा नायब सदर कौन है? जो बाइडन, कैमला हैरिस या फिर माइक पेंस? माइक पेंस। गलत जवाब, कैमला हैरिस। जहांगीर, तस्वीर देखकर बताएं, ये 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स भी रह चुके हैं, क्या आपको इनका नाम पता है? पास। अब्राहम लिंकन। उस्मान गाजी के बड़े भाई का नाम क्या है? गुंडू साहब। करेक्ट। साउथ, इफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 3, 4, and 5 meters, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल? 12।
गलत जवाब 6 meters square. अरीबा, साउंड वेव्स आर ट्रांसवर्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर लॉन्गिट्यूडनल? लॉन्गिट्यूडनल. करेक्ट. यूसुफ, जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम. करेक्ट. हमजा, बायोसेंसर इज यूज्ड टू मेजर ब्लड ग्लूकोज लेवल या फिर द ब्लड पीएच वैल्यू? ब्लड ग्लूकोज लेवल. करेक्ट. आमिर, बैंक. दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट ओशन कौन सा है? इंडियन ओशन, पैसिफिक, अटलांटिक या फिर आर्टिक? आर्टिक ओशन. करेक्ट. कामरान, कौन से मुल्क में व्हाइट एलिफेंट्स पाए जाते हैं? थाईलैंड, इंडिया, श्रीलंका या फिर मलेशिया? थाईलैंड. करेक्ट. लारिब, किस मुल्क को लैंड ऑफ 1000 lakes कहा जाता है? आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड या फिर स्विट्जरलैंड? स्विट्जरलैंड. गलत जवाब, फिनलैंड. जहांगीर, वो दुनिया का कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें कोई भी डेजर्ट नहीं है? यूरोप. वेन स्पेन के कैपिटल का नाम बताएं? मैड्रिड. करेक्ट. साउथ ओलंपिक्स डिफरेंट कंट्रीज में होते हैं, किस कंट्री ने ओलंपिक गेम होस्ट नहीं किया? चाइना, इंडिया या फिर ब्राजील? इंडिया. करेक्ट. अरीबा, बोल न्यूज पर ऑनर होने वाला शो अब बात होगी कि होस्ट का नाम क्या है? सरमजंग. गलत जवाब, फैसल अजीज खान. यूसुफ, आपको एक ऑडियो सुनाई जा रही है, प्लीज बताएं कि ये किसकी आवाज है? वजूद से नहीं है, उसका तसल्लु, इसका ताल्लुक किसी और शय से. खालिस मादी सतह. पास. और यहां आपका 2 minutes 50 seconds का वक्त होता है खत्म. अरीबा, इस शो का नाम क्या है? आखिरी खिलाड़ी कौन? नहीं नहीं, इस शो का नाम है अब बात होगी, क्योंकि हम यहाँ बातें ही तो करते हैं. अच्छा. इस शो की होस्ट का क्या नाम है? Are you sure? Yes, I am. मुझे लगता है मेरा नाम फैसल अजीज खान है. नहीं, दरअसल आप इतनी क्यूट है ना, तो आपका फेस मेरे माइंड में था, तो वही नाम निकल गया. मैं क्या करूं? तमाम देखने वालों को मैं बता दूं कि ये जो कुछ भी कह रही हैं इससे बच नहीं सकती, क्योंकि मैं डिसाइड नहीं करती कि इस गेम में कौन रहेगा और कौन जाएगा बाहर. डिसाइड तो आप लोग करेंगे, लेकिन मुझे समझ नहीं आया ये राउंड. काफ़ी जल्दी जल्दी से गुजरा. सऊद अपना सर छुपा रहे हैं, नीचे देख रहे हैं ताकि नज़रों में ना आए. नहीं, ऐसा नहीं है. ऑलराइट गाइस, राउंड 2 मुकम्मल हो गया. दैट मींस हम राउंड 3 की तरफ बढ़ रहे हैं. लेकिन 3 की तरफ बढ़ने से पहले मुझे वो एक नाम चाहिए जो राउंड 3 में आपके साथ आगे नहीं जाएगा. राउंड 3 में जो शख्स, जो कंटेस्टेंट आगे नहीं जाएगा, वो कौन है? आपके सामने टैबलेट्स मौजूद है, नाम टाइप करें, मुझे, मुझ तक और मेरी टीम तक वो नाम पहुंचाएं. आपके वोट करने का वक्त शुरू होता है अब. अरीबा आसान सवाल के आंसर नहीं दे सकी. लारेब और जहांगीर पास और गलत आंसर देकर चेन तोड़ते रहे. बैंक की आवाज भी काफी दफा आई. अब देखना यह है कौन है वो शख्स जो एलिमिनेट होगा इस राउंड से. डन. यस, डन. कौन? मैम, मैंने एक्चुअली जहांगीर को वोट करा है. आप अपने नेबर को वोट आउट कर रहे हैं? क्यों भाई? वो दोनों राउंड्स में कंफ्यूज थे. क्योंकि वो कंफ्यूज थे. जी साउद. मैम, मैंने जहांगीर को वोट किया है. क्यों? थोड़े इररिस्पॉन्सिव से लग रहे हैं, मतलब लाइक अनकॉन्शियस. अनकॉन्शियस? बेहोश लग रहे हैं आपको? मतलब आपको लग रहा है कि वो यहाँ इस वक्त मौजूद नहीं है, मतलब फिजिकली है, मेंटली यहाँ मौजूद नहीं. ये आपको लग रहा है? ठीक है. अरीबा, मैंने भी जहांगीर को ही वोट किया. क्यों? क्योंकि मुझे लगता है वो थोड़ा वीक प्ले कर रहे हैं. आपको लगता है? यूसुफ, टीम अप तो नहीं कर रहे आप लोग? सब एक साथ हैं, राइट साइड वाले. इट्स नॉट अबाउट टीम, बट जो सही नहीं खेल रहा तो हम चाहते हैं कि वो इस शो से बाहर चला जाए ताकि हमारे लिए मैदान साफ हो जाए. हुनैन इज राइट. सो कंफ्यूज्ड. यू थिंक ही इज कंफ्यूज्ड? लारेब, जहांगीर को वोट कर रहा है क्योंकि ये टोटली कंफ्यूज ही हैं. कामरान, जहांगीर. इतना परेशान क्यों हो रहे जहांगीर का नाम लेकर? आपके फ्रेंड है वो? फ्रेंड होते भी तो जाहिर है जो सही नहीं प्ले कर रहा है उसको उसका नाम लेना पड़ेगा. आमिर, जहांगीर को किया. काफ़ी कंफ्यूज हुए हैं ये, और ना शुरू से, मतलब यहाँ से हमारी चेन सही आती गई और वहाँ पे आकर टूट गई चेन, और ये कि इस वजह से हमें काफ़ी लॉस हुआ. टाइम की बचत भी हमारे पास नहीं हो रही थी. ये मैं कुछ कहना चाहती हूँ. जी, तो इस तरह तो आपको भी वोट आउट करना चाहिए था हमें पहले राउंड में, क्योंकि जब आपने हमारी चेन तोड़ी थी
बिना आपको जब जवाब नहीं आ रहा था तो आपको पास नहीं करना चाहिए था, आपको बैन कर देना चाहिए था ताकि इसको आप गलत जवाब भी देते तो नहीं। मेरे को तो लग रहा है आप ग्रुप मेंबर्स में मतलब एक ग्रुप बनाया हुआ है तभी इस वजह से मेरे को लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं हमने प्ले ठीक किया था। ये जो बहस है हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस वक्त जहांगीर जिस मुश्किल में फंसे हुए हैं उनको उस मुश्किल से तो निकालते। जहांगीर पहले राउंड में आपका नाम आया था लेकिन आपसे ज्यादा तैयबा का आया था इसलिए तैयबा हो गई एलिमिनेट। लेकिन इस राउंड में यानी पहले वाले राउंड में भी वोट्स थे आपके खिलाफ और इस राउंड में भी सबकी नजरों में आप थे, मेजॉरिटी वोट्स आपके खिलाफ है, यानी आप वो कंटेस्टेंट हैं जो राउंड थ्री की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन, ये है आपका आखिरी राउंड। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जहांगीर है और मैं आखिरी खिलाड़ी कौन इसमें सेलेक्ट हुआ था काफ़ी लोगों में। तो राउंड वन में मैंने क्वालिफाई किया था और राउंड टू में मैं एलिमिनेट हो गया और इसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि मैं अच्छी तैयारी मैंने नहीं की थी और सब ने मुझे जो है ना वॉकआउट कर दिया। अरीबा, आमिर, जहांगीर एलिमिनेट हो चुके हैं, अब बताएं आप क्या कह रहे थे। मैं यही कह रही थी कि अगर इन्होंने इस वजह से उनको वोट आउट किया है कि वो पास नहीं कर रहे या बैंक नहीं कर रहे तो इन्होंने भी तो हमारी चेन तोड़ी थी। हम तीनों ने बिल्कुल ठीक जवाब दिए थे, इनके सिर्फ पास करने की वजह से हमारी चेन टूटी थी। मैं तो यही कहना चाहूँगा, मैंने बैंक भी किया और मैंने अपने आंसर भी मतलब है राइट दिए मैंने। और ये आपके है कि आंसर की बात नहीं, वो तो पहले राउंड से मतलब है पास कंफ्यूज भी है और काफी हुआ ना, मतलब मैम हुआ ना कंफ्यूज हुआ ना ये, जब हम तीनों ने सही जवाब दिया इनको बैंक करना चाहिए था, भले इनको आंसर नहीं आता हमारे पैसे तो सेफ हो जाते मगर इन्होंने पास कर दिया। अरीबा बात करिए राउंड वन की, मतलब आमिर इनको राउंड वन का जो धचका लगा है, सब कुछ हो रहा था धचका राउंड वन में जो कुछ हुआ, जो आपकी परफॉर्मेंस है इनके दिमाग में वो रह गई है, उनको याद है। लेकिन अरीबा राउंड वन से हम निकल के राउंड टू में खड़े हुए हैं, राउंड टू में जहांगीर हो गया एलिमिनेट लेकिन आप कर रही हैं टारगेट आमिर को, वोट आउट किया आपने जहांगीर को, क्यों? लेकिन उन्होंने जो रीजन दिया वो मुझे ठीक नहीं लगा। क्यों? आप भी तो रीजन दे रही थी, आपने रीजन दिया, मैंने कहा कि आपके रीजन की वजह से जहांगीर आउट हुआ, तो मैंने उससे पूछा जहांगीर क्यों, तो आमिर ने बताया जहांगीर क्यों जी, वो रीजन आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने मतलब आप जहांगीर को सेव करना चाह रही थी? सेफ नहीं करना चाह रही थी, अगर सेफ करना चाह रही थी तो मैं वोट ना करती, लेकिन उनका पॉइंट अलग था कि वो वीक लग रहे थे, लेकिन ये नहीं कि वो पास नहीं करे, वो बैंक नहीं करे, क्योंकि वो काम इन्होंने भी किया था। तो इनका जवाब नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम हुआ था ना, अब ये वो तो कंटिन्यू तो सभी नहीं, देख रहे हैं, कंटिन्यू नहीं, उन्होंने भी एक जवाब दिया था। चले सुने, ये तब करना बेहतर है जिस राउंड में ये हुआ हो ताकि ऑडियंस को भी समझ आए कि क्या हो रहा था, बिकॉज अभी पहले राउंड की चीज दूसरे में डिस्कस करें। जी यूसुफ, मैं भी ये कहना चाहूंगा कि आमिर जो है वो रीज़न सही नहीं दे रहे, वैलिड रीज़न दे ताकि सब लोग को समझ में आ सके, हमारी ऑडियंस को समझ में आ सके। ऑलराइट जी, बैंक में इस राउंड में इतने सारी रीजनिंग के बाद और इतनी ज़बरदस्त टीम होने के बाद आपने जो अमाउंट जमा किया वो 4,500 रुपये, तो अगर आप लड़ाई झगड़े में कम और अपनी स्ट्रैटेजी पे, अपनी टीम वर्क पे, अपने जहन पे काम करेंगे और मेंटली और फिजिकली दोनों यहाँ प्रेजेंट रहेंगे तो ये जो अमाउंट है ना बढ़ के ज़्यादा हो जाएगा। पहले राउंड में आपने 2,500 रुपये जमा किए, इस राउंड में 4,500, कुल मिला के इस वक्त जो आपके बैंक में अमाउंट है वो है 7,000 रुपये का। नाउ थिंक राउंड थ्री की तरफ हम बढ़े, राउंड थ्री में इसी तरह खेलना है या इससे बेहतर खेलना है, टीम की तरह खेलना है। इंडिविजुअली खेलेंगे तो हारेंगे, एज अ टीम खेलेंगे तो जीतेंगे। स्ट्रैटेजी बनाएं, सोचें क्या करना है, जब तक आप सोचें तब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक ताकि इनको भी मिले ब्रेक, आप लोग कहीं जाएगा, देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। जिन लोगों ने अभी अभी हमें ज्वाइन इन किया उनको बताते चले कि ये जो शो है वो शुरू हुआ था 10 कंटेस्टेंट से, 2 हो गए एलिमिनेट इस वक्त। मेरे साथ यहाँ
8 कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं और उनकी बैंक की पोजीशन है 7,000 रुपए। राउंड 3 हम अब इनके साथ खेलेंगे। क्या आप तैयार हैं राउंड 3 के लिए? यस यस यस। ये एक ऐसा शो है जहां आप मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक का इनाम जीत सकते हैं, लेकिन इस वक्त आपकी बैंक की पोजीशन तो कुछ और ही कह रही है, 7,000 रुपए। लेकिन फिक्र मत करें, राउंड 3 में टॉप प्राइज है 1,25,000 रुपए का। अगर आपने सारे सही जवाब दिए तो ये अमाउंट आपके बैंक में आ जाएगी, एवरेज अच्छा हो जाएगा, एक बेहतरी की तरफ हम बढ़ेंगे। लेकिन आपको बताते चले कि जहां यहां राउंड में, राउंड 3 में पैसे बढ़े हैं, 1,25,000 पे गए, वहीं टाइम एकदम कम हो गया, 2 मिनट 40 सेकेंड। यानी पिछले राउंड में 2 मिनट 50 सेकेंड था, इस राउंड में 10 सेकेंड मजीद कम होकर 2 मिनट 40 सेकेंड हो गया है। लेकिन इससे पहले कि हम गेम को शुरू करें, राउंड 3 को शुरू करें, मैं चाहती हूँ जरा आप लोग रिलैक्स हो जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसे कि नर्वस हैं आप लोग। मेरे साथ यहाँ हमजा मौजूद है। हमजा, सुना आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है। जी मैम, मतलब सिंगिंग करता हूँ मैं। अब प्रोफेशनली सीख रहे हो या बस ऐसे ही दोस्तों के साथ बैठते हो? तो नहीं नहीं मैम, प्रोफेशनली नहीं है, ऐसे ही बस जैमिंग है। तो हमें कुछ सुना सकते हो आज आप? काली काली जुल्फों के फंदे, प्लीज। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेब मोहब्बत को उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्हीं को मुबारक, ये रंगी कहानी तुम्हीं को मुबारक, खुदा के लिए हम पे डोरे ना डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। Wow, that was absolutely amazing, Hamza. इतनी खूबसूरत आवाज, और जब आपने गाना शुरू किया तो एकदम PCR, जहाँ हमारे सारे, हमारी टीम बैठी होती है, जो कैमरा स्विच हो रहा होता है, जो सारी जो ब्रेन चल रहा होता है, वहाँ एकदम भाग भागम दौड़ी मची, और पीछे से मेरे पास ये गिटार पहुंच गया और मेरे IFB में, जो कि मुझे यहाँ लगी, यहाँ से फरमाइशों की लिस्ट स्टार्ट हो गई। तो जब मेरी टीम मुझसे कुछ कहती है ना, मैं मना नहीं कर सकती। और तुम्हारी आवाज़ इतनी अच्छी है। यूर सो, हाउ ओल्ड आर यू? 20 years old. माशाल्लाह, यू सो यंग एंड यू डूइंग सो वेल। तो जरा गिटार सुना है, आपको बजाना आता है? या तो फिर आ जाओ, ले लो ये गिटार मुझसे। There you go. मैं वो दुनिया हूँ जहाँ तेरी कमी है साया, मैं वो दुनिया।
थैंक यू। वाओ, मतलब मैं मेरे पास लव्स नहीं है कुछ कहने के लिए। मैं मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से, यू आर अमेजिंग। और इसको यहाँ रुकना नहीं चाहिए, मतलब ये जो टैलेंट है इस पर और मज़ीद काम करना चाहिए। और हमें कल को मैं कहूँ कि हाँ मैं इसको जानती हूँ, मैं हमज़ा को जानती हूँ, कॉन्सर्ट्स होने चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता आपको आगे बढ़ना, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी चलनी चाहिए। ये नहीं कि बस गिटार पकड़ा और चल दिए, ऐसा ही है। ऐसा ही हमजा ने तो मूड चेंज कर दिया ना सबका। yes. दिल नहीं चाह रहा कि राउंड थ्री की तरफ बढ़ूं। मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं कोई सवाल पूछूं, मेरा दिल चाह रहा सब इधर बैठ जाओ और हमजा को बीच में बिठाए और पूरी रात बस हमजा की आवाज सुने, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। बढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए मैं आई हूँ मुझे वो काम कम्प्लीट करके ही जाना पड़ेगा, वरना यहाँ से हम सब बाहर निकाल दिए जाएंगे। ऑल राइट जी, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हमारे शो में, यही खूबसूरती है हमारे इस शो की, यही खूबसूरती है इस चैनल की कि यहाँ किसी के पास भी टैलेंट हो, हमारी पूरी कोशिश होती है कि वो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करे और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए अगर कुछ हो सके तो ज़रूर हो, हमारी भी कॉन्ट्रीब्यूशन जाए। एंड दिस इज़ वॉट बोल इज़ अबाउट, दिस इज़ देयर थिंकिंग इज़, एंड दिस इज़ वन थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट बोल। राउंड थ्री खेलते हैं, 2 मिनट 40 सेकंड का राउंड, 1,25,000 का टॉप प्राइस, पहला सवाल 2,500 के लिए, दूसरा 5,000, तीसरा 10,000, चौथा 25,000 रुपये, पांचवा 50,000, छठा 75,000 रुपये, सातवा 1,00,000 रुपये और फाइनली आठवा 1,25,000। बड़ा अमाउंट है बैंक में, इसको आप लोग डाल लें तो एवरेज अच्छी हो जाएगी। प्ले एज अ टीम, डोंट प्ले इंडिविजुअली। यूसुफ, पिछला राउंड आपसे शुरू होता, हमजा अब आपसे राउंड शुरू करेंगे, पहला सवाल आपसे होगा, आपका 2 मिनट 40 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। किस मुल्क में सबसे ज्यादा झीलें हैं, कनाडा, यूएसए, फिनलैंड या फिर ब्राजील? कनाडा। करेक्ट। आमिर, ईमू बर्ड किस मुल्क में पाई जाती है, न्यूजीलैंड, जापान, चाइना या फिर ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट। कामरान, येलोस्टोन नेशनल पार्क किस मुल्क में है, रशिया, ब्राजील, यूएसए या फिर कनाडा? यूएसए। करेक्ट। लारेब पैंग कौन सी इजाद के टेस्टिंग के दौरान कई डेथ्स हुई थी, पैराशूट या फिर डायनामाइट? पैराशूट। करेक्ट। हुनैन, हम एक दूसरे से राब्ता करने के लिए डिफरेंट इक्विपमेंट यूज करते हैं, ये बताया कि टेलीफोन किस सदी में बनाया गया था, 1850, 1860, 1870 या फिर 1880s? 1870s। करेक्ट। साउथ, व्हेन वाज मोनोपोली क्रिएटेड, 1940, 1920, 1930 या फिर 1950s? 1930s। करेक्ट। अरीबा बैंक, आपके सामने तस्वीर आ रही है, ये टेस्ला के सीईओ है, इनका नाम बता सकती हैं? एलन मस्क। करेक्ट, इलॉन मस्क। यूसुफ, लेडी डायना कितने साल की थी जब उनके पेरेंट्स की डिवोर्स हुई थी? शी वाज जस्ट 7 years old। करेक्ट। हमजा, मुसलमान पूरी दुनिया में मौजूद हैं, कौन से मुल्क में सबसे ज्यादा मुस्लिम्स रहते हैं, पाकिस्तान, ईरान, इंडोनेशिया? इंडोनेशिया। करेक्ट। वुमेन्स डे दुनिया भर में कब मनाया जाता है, 2 जनवरी, 4 अप्रैल या फिर 8 मार्च? 14 अप्रैल। गलत जवाब, 8 मार्च। कामरान, में कौन सा एनिमल है जो WWF का लोगो है, यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फॉर नेचर का लोगो है? पैंडा। करेक्ट। लारेब, MRI की फुल फॉर्म बताएं। मैग्नेट पास, मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग। हुनैन, नोबेल पीस प्राइज का अवार्ड किस सिटी में दिया जाता है? पास, ऑस्लो। साउथ, दुनिया में सबसे ज्यादा किस मुल्क में आबादी पाई जाती है? चाइना। करेक्ट। अरीबा, किस मुल्क की फुटबॉल टीम ने वर्ल्ड कप नहीं जीता अब तक? यूनाइटेड स्टेट। करेक्ट। यूसुफ, मुंबई, इस्लामाबाद, टोक्यो, खटमंडू, ये सब सिटीज किस बरे आजम में है? बरे आजम एशिया। बिल्कुल सही जवाब। यहाँ आपका 2 मिनट 40 सेकंड का वक्त होता है खत्म। इस वक्त जो मैं आप लोगों से चाहती हूँ, एक नाम चाहती हूँ, यानी दो लोग इलिमिनेट हो चुके, मुझे वो तीसरा नाम चाहिए जो आगे नहीं बढ़ेगा। आपका वोटिंग का वक्त शुरू होता है अब। टैबलेट्स आपके सामने मौजूद है, वो नाम मुझ तक पहुंचाएं और फिर बारी बारी मैं आपसे पूछूंगी कि आपने किसको इलिमिनेट किया। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही, चेन भी काफी लंबी चली, बैंक सही वक्त पर किया गया। अब देखना है कौन होता है वो शख्स जो अगले राउंड में हमारे साथ नहीं होगा। हुनैन, डन? मैम, मैंने दिस टाइम कामरान को वोट करा है। अच्छा,
कामरान आपने किसको वोट किया है? हुनैन को। ओह हाउ नाइस, हुनैन ने कामरान को, कामरान ने हुनैन को। लारेब ने किसको वोट किया है? हुनैन को। हुनैन को, हुनैन के दो वोट्स, कामरान का एक वोट। अरीबा ने किसको वोट किया है? मैंने लारेब को वोट किया है। कितने अलग अलग वोट आ रहे हैं, एक लारेब का वोट, एक कामरान का वोट, दो हुनैन के वोट। साउद ने किसको वोट किया है? मैम हुनैन को। तीन हुनैन के वोट्स, एक लारेब, एक कामरान। आमिर, मैम। चार हुनैन के लिए, एक लारेब, एक कामरान, दो बच गए भाई। जी यूसुफ, माय वोट गोज अगेंस्ट हुनैन। पांच वोट अगेंस्ट हुनैन, वेल आई डोंट सी व्हाई, बट जी हमजा आप भी हुनैन। हुनैन मैम, ये प्रॉपरली टीम अप करके वर्क कर रहे हैं। मैंने फर्स्ट राउंड पे बेस्ट प्ले करा, सेकंड राउंड बेस्ट प्ले करा, दिस टाइम मैंने जस्ट वन टाइम पास करा था एंड मेरा वन क्वेश्चन भी राइट था। आई डोंट नो व्हाई आप बैंक कर देते। मैंने बैंक पिछला क्वेश्चन गलत था, दैट्स व्हाई मैंने बैंक नहीं करा। मैं कुछ कहना चाहूँगा आमिर के लिए, आमिर बिल्कुल भी बेस्ट प्ले नहीं कर रहे, इसलिए मेरे लिए उनके पास एक लाइन है, मैं उनको कुछ कहना चाहता हूँ। ये खेल है खिलाड़ियों का, आप जैसे नहीं अनाड़ियों का। अच्छा अनाड़ीपन क्या देखा आपने मेरे में? अनाड़ीपन ये देखा कि आप बिल्कुल बैंक कर दिया तभी अनाड़ीपन है। अबे तुम्हारी आपने बिल्कुल भी पहला जो आंसर था आपने बिल्कुल भी करेक्ट नहीं खेला। आपने राउंड फर्स्ट भी अच्छा नहीं खेला, सेकंड राउंड भी अच्छा नहीं खेला, थर्ड राउंड भी अच्छा नहीं खेला, और आप टीम वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट में पास किया था, उसमें बैंक भी किया था मैंने, और ये कि सेकंड में परफॉर्मेंस मैम खड़ी है, मैम ने खुद देखा और ऑडियंस भी देख रही है, परफॉर्मेंस अच्छी से अच्छी गई है। और अभी जो थर्ड में आई है उसने बैंक भी किया ताकि ये लोग आगे जा सके। Maybe I am a very tough competitor. That's why. Well, honestly, sadly, majority wins. क्योंकि majority votes हुनैन आपके खिलाफ है। Round four में जो contestant आगे नहीं जा रहा वो sadly हुनैन आप ही हैं। Thank you so much for being a part of आखिरी खिलाड़ी कौन। आपका सफर आखिरी खिलाड़ी कौन में यहीं तक था। Thank you. Thank you. हेलो माय नेम इज़ हुनैन। एक्चुअली मुझे वोट आउट करने का रीज़न ये था कि मैं काफ़ी टफ कॉम्पिटिटर था उन सब के लिए, इसलिए उन्होंने पॉलिटिक्स खेली और उन्होंने सब ने टीम वर्क करके मुझे वोट आउट कर दिया। हमज़ा, यूसुफ, लारेब, टीम वर्क था ये टोटली, सब ने मेरे अगेंस्ट वोट करा। मैं आई एम अ वेरी टफ कॉम्पिटिटर। राउंड थ्री में कुल मिला के जो आप अमाउंट जमा कर पाए बैंक कर चुके वो है 27,500 रुपये, पहले के 7,000, ये 27,500, यानी टोटल अमाउंट जो आप आगे लेके जा रहे हैं राउंड फोर में वो है 34,500 रुपये। राउंड फोर में इस वक्त सिर्फ 7 कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं, वक्त 2 मिनट 30 सेकंड का है, 10 सेकंड मजीद वक्त कम हो गया और अमाउंट यानी टॉप प्राइस बढ़ चुका है। 5,00,000 रुपये का टॉप प्राइज है जनाब। पहला सवाल 2,500 के लिए, दूसरा 5,000, फिर 10,000, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा 1,00,000 रुपए, सातवा 2,50,000 और आठवा 5,00,000 रुपए। आपके और 5,00,000 रुपए के दरमियान सिर्फ 8 सही जवाब हैं। इस दफा राउंड आमिर आपसे शुरू होगा, 2 मिनट 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। कॉटन हमारी एक अहम जरूरत है, वो कौन सा मुल्क है जो सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस करता है? पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, फिर ब्राजील? इंडिया, करेक्ट। कामरान तस्वीर देखकर बताएं पाकिस्तान की कौन सी मशहूर एक्ट्रेस थी? दुर्दाना भट्ट, करेक्ट। लारेब, किन दो ममालिक के दरमियान दुनिया के सबसे लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है? यूएसए एंड कनाडा, करेक्ट। साउथ बैंक, तिब्बत एक ईस्ट एशिया का रीजन है, तिब्बत इस वक्त किस मुल्क के कंट्रोल में है? चाइना, इंडिया, ताइवान या फिर यूनाइटेड स्टेट्स? चाइना, करेक्ट। अरीबा, 5 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें और फिर 5 से ही डिवाइड करें तो आंसर क्या होगा? 5। यूसुफ, दुनिया की लेटेस्ट दरियाफ्त कंट्री जो यूनाइटेड नेशंस का रुकन भी बन गया है, जिसने 9 जुलाई 2011 को आजादी का ऐलान किया, वो कौन सा मुल्क है? साउथ सूडान, करेक्ट। हमजा बैंक, GCC मशरिक वुस्ता के 6 ममालिक का सियासी और इक्तिसादी इत्तेहाद का नाम है, GCC की फुल फॉर्म बताएं? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, करेक्ट। आमिर बैंक, आमिर
किस मुल्क को रेनबो नेशन कहा जाता है? जापान, नॉर्वे, नेदरलैंड्स या फिर साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका। करेक्ट। कामरान, 2022 यानी इस वक्त तक दुनिया की आबादी कितनी है? 6.8 बिलियन, 8 बिलियन या फिर 9.8 बिलियन? 8 बिलियन। करेक्ट। लारिप, बैंग, कैंगरूज ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अलावा किस मुल्क में भी पाए जाते हैं? न्यूयॉर्क। गलत जवाब, न्यू गिनी। साउथ, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉर्पोरेशन का हेड क्वार्टर अमेरिका के किस सिटी में वाके है? न्यूयॉर्क। करेक्ट। प्रोटॉन्स हर एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, प्रोटॉन किस मायरे तबियात ने डिस्कवर किए थे? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। करेक्ट। यूसुफ, बैंक, ओलंपिक फ्लैग में 5 रिंग्स होते हैं, इनके कलर आप बता सकते हैं? रेड, व्हाइट। यहाँ आपका वक्त होता है खत्म। ब्लैक, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो। 2 मिनट 30 सेकंड का वक्त खत्म हुआ। वक्त आपका वोटिंग का शुरू होता है। अब एलिमिनेट करें उस एक शख्स को जिसको आप आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। बैंक की आवाज भी काफी दफा सुनाई दी गई, मगर चेन लंबी ना हो सकी। अब देखना यह है कौन होता है वो शख्स जो जाएगा इस राउंड से बाहर। Are you all done? Yes. 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 लारेप, किसको वोट आउट कर रही हैं? साउथ। क्यों? ये बहुत ज्यादा टाइम भी ले रहे हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रहे हैं, बहुत ज्यादा। जवाब तो सही दे रहे हैं। जवाब तो ये बिल्कुल सही दे रहे हैं, पर ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रहे हैं। तो जो जवाब सही देगा उसको हम निकाल देंगे, है ना? जो जवाब गलत देगा हम उसको रखेंगे ताकि हम कम पैसे आगे लेके जाएं। साउथ, क्या जवाब देना चाहते हैं? नो मैम, आई एम नॉट कंफ्यूज्ड। एक चीज मतलब अंडरस्टैंड करके ही बंदा जवाब देगा ना सही। आपने किसको वोट किया है? कामरान। थोड़े चेन ब्रेक कर रहे हैं। चेन ब्रेकर। मैंने तो कोई जवाब भी गलत नहीं दिया, तो ब्रेक कैसे हो गई चेन? बैंक भी नहीं किया तुमने। बैंक किस लिए करूँ? उसने बैंक कर दिया तो मैं बैंक करके क्या करूँगा? जवाब दें। कुछ समझ नहीं आ रहा तो कामरान का नाम ले दूँ। अरीबा, कुछ भी। मैंने आमिर को वोट किया है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। इसको इसलिए ऐसा लगता है इनको ना कि मैं आगे पूरी अमाउंट मैं नहीं ले जाऊँ, क्योंकि बैंक भी मैं कर रहा हूँ और राइट आंसर भी दे रहा हूँ, इनकी अमाउंट भी सबकी, मैं पूरे टीम वर्क होकर खेल रहा हूँ और ये पहले राउंड से ही मेरे को वोटेड कर रही है। तो ये है मेरे साथ आपकी और मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नहीं खेल रहे हो। वो तो ऑडियंस समझेगी। मुझे ऐसा लग रहा है आप नहीं खेल रहे हो, आप गेम ठीक नहीं खेल रहे हो। ये तो सब देख रहे हैं, मैम भी देख रही है और ऑडियंस भी देख रही है कि कैसा खेल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खेल रहा हूँ, बैंक भी कर रहा हूँ और राइट आंसर भी दे रहा हूँ। जी ला रहे आमिर इज राइट। हाउ? क्यों सही बोल रहे हैं कि मतलब वो जब से अरीबा मतलब उन्हीं को ही वोट करे जा रही हैं बार बार। वोट नहीं किया बीच में, कितने लोगों को भी वोट किया। नहीं, लास्ट राउंड में भी करा है। टीम वर्क कर रहे हो आप लोग। अब यहाँ लग रहा है कि आप लोग टीम वर्क कर रहे हो। नहीं नहीं, इट्स नॉट अ टीम वर्क, इट्स टीम वर्क। नो, जो हम करें वो तो नहीं है, क्योंकि मैंने आपको वोट करने के बाद भी कितने लोगों को वोट आउट किया। मैंने जो देखा वो ये टीम वर्क नहीं होता। टीम वर्क ये होता है, टीम वर्क इसे कहते हैं। नहीं, इसे नहीं कहते, इसे ही टीम वर्क कहा जाता है। टीम वर्क नहीं है। गेम भी तो देखें, राइट आंसर भी आ रहे हैं आपके लिए। अच्छा, अगर आप मुझे वोट आउट करते हो, अगर आप समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तीनों एक साथ बात कर रहे हैं। जी कामरान। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ से राइट आंसर्स होते हुए आते हैं तो वो जाके बैंक करते हैं, तो मतलब हमारी वजह से टीम वर्क अच्छा चल रहा है। अब वो इन्हीं को नोट आउट स्टार्टिंग में कर रही हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि सिर्फ आप लोग ही सही जवाब दे रहे हैं तो ये गेम हम जीत रहे हैं? वहाँ से स्टार्ट होता है तो फिर 2-3-4 होने के बाद ही तो मैं ये कहती हूँ कि मैं एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर हूँ इस गेम की। आई एम ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर। मुझे नहीं लगता। यू आर नॉट अलोन हियर। मुझे नहीं लगता कि आप हैं। ओके हमजा, व्हाट डू यू थिंक? मैम, अकॉर्डिंग टू मी आमिर, क्योंकि वो उन्होंने चेन भी ब्रेक की है, दूसरी बात वो टाइम भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास राउंड के साथ साथ टाइम कम हो रहा है। नहीं, चेन कैसे ब्रेक की है ये पता है आपको? टाइम आप ले रहे हो? नहीं, स्टार्टिंग में से ही और मैंने बैंक भी किया है, मतलब है जैसे आप टाइम ले रहे हैं, करेक्ट आंसर भी दिए मैंने और चेन तो माशाल्लाह यहाँ तक काफी अच्छी जा रही है। अब वहाँ पे आके चेन टूट रही तो वो तो जैसे, लेकिन टाइम का भी इशू है हमारे पास, हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। तो मैं दे रहा हूँ ना, दे रहा हूँ आपको, पूरी चेन चल रही है और ये मैं आपकी चेन पूरी बचाई भी है मैंने, लेकिन आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मेरे को तो लग रहा है आप नींद में, असल में बात नींद की नहीं है, मैं भी देख रहा हूँ, मेरे पास भी दो आंखें हैं। गलत बात कर रहे हैं आप। मैं कुछ कहना चाहूँगा मैम, मैं ये कहना चाहूँगा अरीबा से एक बहुत इजी सा क्वेश्चन किया था आपने, 25 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 25,
तो उसका आंसर बहुत ईजी था लेकिन उन्होंने नहीं दिया और चेन ब्रेक की इन्होंने और पास कर दिया। काफी लोग ने आमिर कहा, किसी ने साउद का, किसी ने लारेब का, किसी ने कामरान का। काफी हद तक जो लोगों ने कहा वो सही कहा और सामने कहा। कुछ लोगों ने ब्लफ किया, यानी लिखा कुछ और। जो नाम मेरे पास आया वो है कुछ और, जो बोला मेरे सामने वो है कुछ और। तो मेजॉरिटी वोट्स जिस कंटेस्टेंट को मिले और जो आगे राउंड फाइव की तरफ नहीं बढ़ पाएगा, आमिर वो आप नहीं है। नहीं, कैसे पता नहीं है? मैं बैंक भी किया और करेक्ट आंसर दे रहा हूँ तो मैं कैसे हो सकता हूँ? पूरी चैन लेके चल रहा हूँ। इट डजंट मैटर बैंक नहीं किया या बैंक अब तो किया। वोट देखने पड़ेंगे ना। अब वोट मेरी तरफ इतने ज्यादा नहीं है जितनी मतलब है कामरान आपके के साइड सामने पे। तो तीन लोग तो आपके सामने कह दिया आमिर आमिर आमिर, तीनों ने तो तीन तो सामने सामने कह दिया। हमजा और अरीबा ने कहा है मैम, ये दो बंदों ने कहा हमजा अरीबा यूसुफ, तीनों ने बोला आमिर आमिर आमिर। उसके बाद यहाँ तीन लोगों ने अलग अलग नाम लिया, लेकिन इनमें से कोई एक ऐसा है जिसने आपका नाम लिया है। इन तीनों में से एक शख्स ऐसा जिसने आपका नाम लिया, जिसकी वजह से तीन नहीं बल्कि चार वोट आपके अगेंस्ट हो गए। और ये राउंड इसलिए आपका आखिरी राउंड है। मैं सही है, मैं अगर जाना चाहूँ मैं जाऊँगा भी तो फिर मैं ये बता के जाऊँगा कि अरीबा लोगों का पूरा मतलब है एक बना हुआ है ग्रुप, तो वो पहले राउंड से मेरे को ही वोटेड कर रही है क्योंकि उनको पता ही है स्ट्रॉन्ग है खड़ा हुआ है और बाकी चैन चला रहा। अब वो मेरे को निकालने की कर रही है ताकि मैं विन करके जाऊँ यहाँ से। आप खुद समझ सकते हैं माशाल्लाह, कोई ग्रुप नहीं है, ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है। असल में पहले आप डिजर्व नहीं करते, ग्रुप नहीं होता तो तीनों बंदे एक साथ कैसे वोटेड करते एक बंदे को? यू आर नॉट डिजर्विंग, वी आर सॉरी। ये तो ऑडियंस भी देगी, असल में ग्रुप बना हुआ है तीन बंदों का और आप वोटेड कर रहे हो एक ही बंदे को। इधर तीन और भी तो खड़े हैं कंटेस्टेंट। वेल आमिर, दिस इज अ पार्ट ऑफ द गेम और गेम में ये होता है। सही है मैम। और यही ये आपके साथ हुआ इस दफा, अगले राउंड में किसी और के साथ होगा। सो बी अ स्पोर्ट and thank you so much for being a part of Aakhri Khiladi Kaun. Thank you. Thank you. ये है कि मेरे को इनमिनेट इसकी वजह से किया क्योंकि ग्रुप बना हुआ था और ये कि ऑडियंस आप मतलब देख ही रहे होंगे किस तरीके से चल रहा था, बैंक भी कर रहा था और ये कि इनकी पूरी चेन को लेके चल रहा था, करेक्ट आंसर मिल रहे थे और ये कि इनके जितना अरीबा हो गए, यूसुफ हो गए, हमजा हो गए, इन लोगों को पूरा मतलब ग्रुप बन के इन्होंने मुझे वोटेड करा। और ये कि पहले ही राउंड से अरीबा मेरे पीछे लगी हुई थी और उसने भी कहा, यूसुफ ने भी कहा और ये कि हमजा ने भी कहा कि आमिर एंड में पहले तो मेरा नाम नहीं लिया इन्होंने। जब अरीबा ने इनको मतलब है कि खुसुर तो करते हैं कानों में बस कुछ बोला है इन्होंने और ये कि फिर मेरे को वोटेड करके एलिमिनेट किया। बैंक में जो अमाउंट आप लोगों ने जमा किया वो है सिर्फ 25,000 रुपये। 5 लाख का अमाउंट आप जमा कर सकते थे, टॉप प्राइस था 5 लाख का, लेकिन आप लोगों ने जॉइंट एफर्ट, टीम एफर्ट से सिर्फ 25,000 रुपये जमा किया। राउंड फाइव की मनी ट्रेल आपको समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले यहां वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन। आखिरी खिलाड़ी कौन। वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। इस वक्त हम राउंड फाइव में मौजूद है, मेरे साथ यहाँ 6 कंटेस्टेंट्स हैं, 4 इलिमिनेट हो चुके हैं। बैंक की फिगर 59,500 रुपए है। अगला राउंड यानी राउंड फाइव, जिस राउंड में इस वक्त आप मौजूद हैं, तमाम देखने वालों को बताते चलूं, इस राउंड में ये लोग 10 लाख तक बैंक कर सकते हैं अगर ये सही से खेलें। सवाल नंबर 1 है 2,500 के लिए, दूसरा 5,000 के लिए, तीसरा 10,000 के लिए, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा सवाल 2,50,000 के लिए, सातवां 5,00,000 के लिए और आठवां 10,00,000 के लिए। ठीक है भाई, अगर 10,00,000 नहीं लेके जाने तो 2,50,000 ही बैंक कर लो। जहां पैसे बढ़ चुके हैं वहां टाइम कम हो गया है, 2 मिनट 20 सेकंड का होगा ये राउंड। कामरान, ये राउंड आपसे शुरू होगा, 2 मिनट 20 सेकंड का वक्त आपका शुरू होता है अब। ब्लू ओरिजिन एक प्राइवेट एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसके फाउंडर का नाम क्या है? जेफ बेजोस। करेक्ट। लारेब थॉमस,
डेवनपोर्ट जो एक ब्लैकस्मिथ इन्वेंटर थे उन्होंने क्या इजाद किया? इलेक्ट्रिक स्ट्रीट कार। करेक्ट। साउथ दुनिया का सबसे लंबा समुद्री पुल कहाँ है? चाइना में। करेक्ट। अरीबा, सामने स्क्रीन पर एक तस्वीर आ रही है, वो देखकर मुझे बताएं कि ये कौन से मुल्क में है? बड़े ही मशहूर टावर्स हैं, इनको क्या कहते हैं? फोनिक्स टावर्स। करेक्ट। यूसुफ, 525 में से 500 माइनस करें और 75 प्लस करें तो आंसर क्या होगा? 100। करेक्ट। हमजा, ऑकस एक मुआहदे का नाम है, इसमें कितनी कंट्रीज शामिल है? 3। करेक्ट। कामरान, बुर्ज खलीफा के टोटल हाइट कितनी है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है? 830 मीटर। करेक्ट। लारेब, टैंक। शेक्सपियर के उस ड्रामे का नाम बताएं जिसमें कोई गाना नहीं? द कॉमेडी ऑफ एरर्स। करेक्ट। साउथ, गेम फ्रिस्बी कब इजाद हुई? 1920s, 1918-70s? 1870s। करेक्ट। अरीबा, टाइम्स एक अमेरिकन न्यूज मैगजीन है, टाइम्स मैगजीन 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर कौन था? एलन मस्क। इलॉन मस्क, बिल्कुल सही जवाब। यूसुफ, कितनी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज यूरो करेंसी यूज नहीं करती? 6, 7, 8 या 9? 8। करेक्ट। हमजा, बैंक, फीमर, आर्म, लेग, इनमें से इंसानी जिस्म की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। करेक्ट। कामरान, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस यूज की जाती है कूलिंग के लिए? अमोनिया, आई थिंक। करेक्ट। लारेब, बैंक, लारेब, उन जानवरों को क्या कहते हैं जो दोनों मीट और प्लांट्स खाते हैं? ओमनीवर्स। बिल्कुल सही जवाब। और यहाँ आपके 2 मिनट 20 सेकंड का वक्त होता है पूरा। आपके सामने टैबलेट्स मौजूद है, प्लीज मुझ तक वो नाम पहुंचाएं जो आगे राउंड 6 में नहीं बढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको बैंक की आपकी पोजीशन बताऊंगी। आपका एलिमिनेशन का वक्त शुरू होता है अब। चेन काफी अच्छी चली, बैंक भी सही वक्त पर किया गया। लारेब सऊद थोड़े कंफ्यूज नजर आए। अब देखना यह है कौन है वो कंटेस्टेंट जो अगले राउंड में हमारे साथ नहीं होगा। Are you all done? जी अरीबा, किसको वोट आउट किया? लारेब को। क्यों? स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं है। My vote goes against Hamza. Against your friend Hamza? Why? Hamza परेशान? Hamza ने जो लुक दी है यूसुफ को। Because he is strong, so I don't want to see him in this show. I want him to out. इतना entertain किया उसके बावजूद? जी हमजा, क्या कहूँ मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। Why? Because you are stronger, so that is why I voted out. I'm strong होना भी एक गलती नहीं है। दिस इज माई राइट कि जो वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो दोनों को मैं निकाल सकता हूँ। आई एम जस्ट यूजिंग माई राइट्स। आप वकील हैं? आई डोंट वांट टू से समथिंग। हाँ? नो नो। क्या करते हैं? आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन। टीचर बाय प्रोफेशन, टीचर। जी हमजा, आपने किसको वोट किया है? लारेब। क्यों? क्यों? साउद, किसको वोट कर रहे हैं? मैम लारेब को किया मैंने। जी कामरान, आपने किसको वोट किया है? मैम मैंने लारेब को किया है। सो लेट्स काउंट, कितने वोट है लारेब के खिलाफ? 4 वोट लारेब के खिलाफ। कितने वोट हमजा के खिलाफ? 2 वोट हमजा के खिलाफ। लारेब, राउंड 5 से राउंड 6 में जो कंटेस्टेंट आगे नहीं जा रहा वो आप हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। आपका सफर आखिरी खिलाड़ी कौन में यहीं तक था। थैंक यू। बोलबालों ने एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म दिया है हम सबको कि जो हम यहाँ पर आके अपना टैलेंट शो कर सकते हैं, आगे स्क्रीन पर हम आके अपने आप को दिखा सकते हैं लोगों को कि हमारे अंदर भी टैलेंट है, ताकि लोग हमारे टैलेंट को देखें और आके प्रमोट करें। और बहुत ज़बरदस्त यहाँ के मतलब पूरा इन्वायरमेंट था और शुक्र गुजार हूँ मैं कि यहाँ पर मुझे मौका मिला। थैंक यू सो मच। राउंड 6 में आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि इस वक्त आपके बैंक में राउंड 5 में जो अमाउंट आपने जमा की है वो है 65,000 रुपये 10 लाख में से। राउंड 6 में टॉप प्राइस
15 लाख का है, मगर टाइम है 2 मिनट 10 सेकंड का। साउथ जितनी एक्साइटमेंट है राउंड 6 में दिखनी चाहिए इंशाल्लाह। मनी मनी ट्रेल आपको बताती हूँ, पहला सवाल है 2500 के लिए, दूसरा 5000 के लिए, तीसरा 10000 के लिए, चौथा 25000 के लिए, पांचवा 50000 के लिए, छठा 2.5 लाख के लिए, सातवा 10 लाख और आठवा फाइनली 15 लाख के लिए। आपके और 15 लाख के बीच में सिर्फ और सिर्फ 8 सही जवाब हैं। यहां मेरे पास 5 कंटेस्टेंट्स मौजूद है इस वक्त। 2 मिनट 10 सेकंड का होगा ये राउंड और साउथ ये राउंड हम आपसे शुरू करेंगे। आर यू रेडी? यस मैम। आपका 2 मिनट 10 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा रेयर नयाब ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? AB नेगेटिव। करेक्ट। अरीबा, बुलेट ट्रेन एक बहुत तेज रफ्तार ट्रेन है, ये कौन से मुल्क में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी? जापान। करेक्ट। यूसुफ, प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल की शादी किस साल में हुई थी? 18 मई 2018। करेक्ट। हमजा, पहला कंट्रोलेबल एरोप्लेन किसने इजाद किया था? पास। राइट ब्रदर्स। कामरान, तस्वीर देखकर बताएं ये कौन सी मशहूर शख्सियत है? जुनेद जमशेद आई थिंक। करेक्ट। साउथ, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना और जापान, येन इनमें से कौन से मुल्क की करेंसी है? जापान। करेक्ट। अरीबा, अस्ताना किस मुल्क का कैपिटल है? उज़्बेकिस्तान, यहाँ पे कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। करेक्ट। यूसुफ, 998 में 2 जमा करें और फिर उसे 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या होगा? 1000। करेक्ट। हमजा, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 और 2021 में खेले गए इन गेम्स में किस मुल्क ने सबसे ज्यादा मेडल्स जीते? पास। यूनाइटेड स्टेट्स। कामरान, लास्ट पाकिस्तान इंटरनेशनल स्क्रीन अवार्ड्स कब हुए थे और कहां हुए थे? 2021 इन दुबई। करेक्ट। साउथ, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सा होता है? जो। करेक्ट। अरीबा, US के फ्लैग में रेड एंड व्हाइट 13 स्ट्रिप्स होते हैं, इनमें से रेड स्ट्रिप्स की तादाद कितनी है? 7। करेक्ट। यूसुफ, ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल कौन सा है? रेड कैंगरू। करेक्ट। हमजा, द वॉल्ट डिज्नी कंपनी जो कि अमेरिकन मल्टीनेशनल मास मीडिया है, डिज्नी की पहली फिल्म का नाम क्या था? स्नो वाइट। करेक्ट। कामरान, बैंक एक्टर्स के हौसला अफजाई के लिए दुनिया भर में अवार्ड दिए जाते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? ऑस्कर्स। करेक्ट। साउथ, कॉफी की काफी किस्में हैं, इनमें से एक किस्म कैपेचिनो है, इसकी स्पेलिंग बता सकते हैं? 2 मिनट 10 सेकंड का वक्त पूरा हो चुका। कामरान, नॉट बैड, ऐसा लगता है जैसे आपको जवाब नहीं आते लेकिन आप जवाब दे देते हैं। तुक्का मार रहे। तुक्का मार रहे। तुक्का मार रहे। आप ऐसा कहना चाह रही हैं? मैं ऐसा नहीं कह रही, मैं ये कहना, जो मैं कहना चाह रही हूँ मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन इस वक्त मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। वोटिंग का वक्त शुरू होता है अब, वोट करें, मुझे बताएं वो कौन सा कंटेस्टेंट है जो जाएगा बाहर, जो राउंड 7 की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। नाम भेजें, मुझे बताइए। हमजा पास का सहारा लेते रहे और चेन ब्रेक करते रहे, कामरान तुक्के लगाते रहे, बैंक की आवाज भी काफी दफा सुनाई दी गई। अब देखना यह है कौन है वो शख्स जो एलिमिनेट होगा इस राउंड से। अरीबा, यू डन? क्या? किसको वोट किया? हमजा को। हमजा को। इस वक्त मेरी स्क्रीन पे जो नाम यहां मौजूद है, जिस कंटेस्टेंट का नाम यहां मौजूद है, वो हमजा आप है। क्या लगता है क्यों वोट आउट किया आपको? जाहिर है मैम, 2 बार पास किया है मैंने, 2 क्वेश्चंस के आंसर मैंने नहीं दिए। आपको लग रहा था आप ही होंगे? जी। बड़ी बात है कि आप राउंड 6 तक पहुंच गए। आई हैव टू से वेरी वेल प्लेड, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। यहाँ आखिरी खिलाड़ी कौन में आपका सफर होता है खत्म। थैंक यू। हेलो, दिस इज हमजा कमर। मैं ये कहना चाहता हूँ स्पेशली कि बहुत मुश्किलों से छठी राउंड तक मैं पहुँचा था और काफ़ी मैंने भी एलिमिनेट किया, मैंने भी वोटेड किया सबको और बहुत मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँचा। पर यह कि राउंड के साथ साथ गेम भी टफ होता गया और राइट इज़ राइट
मैंने दो क्वेश्चन के आंसर गलत, मतलब मैंने आंसर ही नहीं दिया, मैंने पास किया, तो इस वजह से मुझे मालूम था कि ये मेरा ही टाइम है अब। 15 लाख का टॉप प्राइज और कुल मिला के आपने जो अमाउंट जमा किया वो सिर्फ 25,000 रुपए है। पिछला अमाउंट था 1,24,500 का, इस वक्त 25,000 मिलाकर आपके पास जो टोटल अमाउंट बैंक में है वो 1,49,500 रुपए जो आप राउंड 7 में लेकर जा रहे हैं। आपको अपना गेम अप करना होगा, परफॉर्मेंस लो है, परफॉर्मेंस को बढ़ाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप में से कोई एक खुश नसीब होगा जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे घर लेकर जाए। वो खुश नसीब कौन होगा उसकी तलाश तो मुझे भी है। राउंड 7 का टॉप प्राइज है 20,00,000 रुपये। जी, जितने लोगों ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है उनको बताते चले कि ये 4 कंटेस्टेंट्स राउंड 7 की तरफ हैं। कामरान, साउद, अरीबा, यूसुफ। राउंड 7 का टॉप प्राइज है 20,00,000 रुपये। सवाल ये है कि इनमें से कौन राउंड 8 की तरफ नहीं जा पाएगा, वो कौन होगा जो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये तय करेंगे यही लोग, क्योंकि यही डिसाइड करते हैं कि कौन रहेगा कौन जाएगा। लेकिन एक डिसीजन तो मेरा भी होता है, वो है ब्रेक का। इस वक्त को एक छोटी सी ब्रेक का कहीं मजा आएगा, देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन। आखिरी खिलाड़ी कौन। वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। जी हाँ, जिन लोगों ने अभी अभी मैं ज्वाइन किया उनको बताते चले, आप लोग इस वक्त यहाँ जितने कंटेस्टेंट्स को देख रहे हैं उन्होंने बड़ी मेहनत की, दिमाग लगाया और काफी लोगों को इलिमिनेट भी किया। राउंड 7 में आकर हमारे साथ खड़े इस वक्त इनकी बैंक की पोजीशन 1,49,500 रुपए। राउंड 7 में टॉप प्राइस है 20,00,000 रुपए का। आपके और 20,00,000 के दरमियान सिर्फ और सिर्फ 8 सही जवाब है। टाइम है 2 मिनट का, 120 सेकंड वक्त कम जाया करें, गलत जवाब मत दे, पास कम से कम कहें ताकि आपकी चेन ना टूटे। चेन टूटेगी तो फिर आप फिर से जीरो पे आके खड़े होंगे। पहले सवाल से वापस शुरू करेंगे। मनी ट्रेल सुन ले। पहला सवाल 5,000 का, दूसरा 10,000, तीसरा 25,000, चौथा 50,000, पांचवा 2,50,000 रुपए, छठा सवाल 7,50,000 के लिए, सातवां सवाल 15,00,000 के लिए और आठवां सवाल 20,00,000 रुपए के लिए। 20,00,000 रुपए साउद, यूसुफ अरीबा, कामरान, बड़ा अमाउंट है, स्ट्रैटेजी क्या है? पास मत करो, गलत जवाब मत करो, बैंक का इस्तेमाल करो, लेकिन बार बार भी बैंक ना कहो। ज्यादा से ज्यादा पैसे जब जमा हुए तब कहो बैंक, ताकि बैंक का फिगर बढ़े। आर यू रेडी? यस मैम। अरीबा, पहला सवाल आपसे करूंगी, आपके 2 मिनट का वक्त शुरू होता है अब। दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जहां क्राइम इंडेक्स 83.76 है, जो हाईएस्ट क्राइम इंडेक्स माना जाता है किसी भी मुल्क का? वेनेजुएला। करेक्ट। यूसुफ, कनाडा, फ्रांस और पोर्चुगल में से लिस्बन किस मुल्क का कैपिटल है? पुर्तगाल। करेक्ट। कामरान, घड़ी के मौजूद होने का सहरा पीटर हेनलेन को दिया जाता है, उन्होंने फर्स्ट घड़ी किस सदी में बनाई थी? 15th century। करेक्ट। साउथ उल्लू जो कि रातों को जागते हैं और दिन में सोते हैं, इनकी एवरेज एज क्या होती है? 10 से 30 बरस। अरीबा, आपके सामने तस्वीर आ रही है क्रिकेटर की, ये लेजेंडरी क्रिकेटर का नाम क्या है? मोहम्मद यूसुफ। करेक्ट। यूसुफ, शहद एक बेहतरीन गिजा, इसकी मौजूद एक छोटी सी मक्खी होती है, शहद की मक्खी 1 सेकंड में कितनी बार अपना पर फड़फड़ाती है? 230 times per second। करेक्ट। कामरान, जमीन जो सूरज से थर्ड सैयारा है, इसकी टोटल लंबाई कितने किलोमीटर पर मुश्तमिल है? 40,075 किलोमीटर। करेक्ट। साउथ, द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस नासा का हेड क्वार्टर कहाँ पर वाके है? वॉशिंगटन डीसी। करेक्ट। अरीबा, इंसानी दिमाग जो कि 2.5 मिलियन गीगाबाइट सेव कर सकता है, इंसानी ब्रेन का एवरेज वजन कितना होता है?
3 pounds या फिर 1.4 kg. यूसुफ, बैक्टीरिया के बारे में हमारा ये ख्याल है कि वो इंसानी आँख यानी नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, लेकिन वो कौन सा बैक्टीरिया है जो इंसानी आँख भी देख सकती है विदाउट माइक्रोस्कोप? थायोमाइग्रेटिया. करेक्ट, थायोमाइग्रेटा नैम्बियंसिस. कामरान, टीनेजर वर्ड बहुत आम फहम है, लड़कियां हो या लड़के, टीनेजर का दौरानिया किस एज से किस एज तक होता है? 13 to 19 years. Correct. German Benz Patent Motor Wagon को first car का मौजूद माना जाता है. ये कारनामा उन्होंने कौन से सन में किया था? 1886. Correct. अरीबा, 20 plus 1 into 0 equals to 20 plus 1 multiply by 0 equals to pass. 0. यूसुफ, द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ पर वाके है? ऑस्ट्रेलिया. करेक्ट. कामरान, पाकिस्तान से बांग्लादेश में कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है? 2204 किलोमीटर. करेक्ट. साउथ, गंगा, अमेज़न, नाइल, इनमें से दुनिया का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है? नाइल. करेक्ट. अरीबा, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, दुनिया के किस शहर में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है? टोक्यो, जापान. करेक्ट. यूसुफ, ये बताएं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेले जाने वाला जो सॉरी यहाँ आपका वक्त होता है खत्म, 2 मिनट का यानी 120 सेकंड हो गए पूरे, किसने कैसा खेला, किसने अच्छा खेला, किसने अच्छा नहीं खेला, किसने परफॉर्म किया, किसने परफॉर्म नहीं किया, ये आपके वोट्स मुझे बताएंगे. आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब. ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी थी, जेन अच्छी चली, अरीबा आसान सवाल के जवाब नहीं दे सकी, सऊद पास का सहारा लेते रहे. अब देखना यह है कौन है वो शख्स जो अगले राउंड में नहीं होगा हमारे साथ. आपका नाम आ रहा है बार बार. अरीबा जी, मैथ्स वीक है काफी. जीरो से अगर किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करें तो उसका जवाब क्या आता है? जीरो. तो 2 multiplied by 0 इज जीरो. मेरे ख्याल से यही एक सवाल था जिसके बेसिस पे काफी लोगों ने आपको वोट आउट किया. यहाँ मौजूद तमाम कंटेस्टेंट्स ने आपका नाम शायद इसीलिए लिया हो. जी कामरान, किस बेसिस पे आपने लिया अरीबा का नाम? एक तो ये इन्होंने जवाब सही नहीं है दोनों सवाल के, नहीं दिए, और सबसे बड़ी बात इन्होंने बैंक नहीं किया. अच्छा खासी चेंज चलती हुई आ रही थी, थोड़ा सा बैंक करती जवाब भले गलत दे देती मगर हमारे लिए मनी सेफ हो जाती, मगर इन्होंने बैंक भी नहीं किया. साउथ क्यों अरीबा? सेम थिंग विद मी, लास्ट टाइम भी इन्होंने राउंड 4 आई थिंक था, राउंड 5 था, उसमें भी इन्होंने मैथ्स की मिस्टेक की और अब बहुत इजी था जो इनसे नहीं हो पाया. इवन चेन भी इन्होंने ब्रेक की थी, बैंक भी नहीं किया अमाउंट. ऑलराइट जी अरीबा, मैं ये नहीं चाहती थी कि आप ये सोचे कि आपको क्यों वोट आउट किया. तभी कहते हैं ना कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस आपको लेकर डूबता है. यहाँ जब खड़ी थी राउंड 2 या राउंड 3 में आप लारेब और आमिर या लारेब को किसी एक को कह रही थी कि आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर. मुझे कह रही आपको कह रही थी, कामरान को कह रही थी क्योंकि मैं हूँ, बट एक प्रॉब्लम है तो सिर्फ अपने लिए स्ट्रॉन्ग है मैडम, सामने वाले को कंपेयर नहीं कर रही है ये, बस मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं हूँ. ऐसी बात नहीं है, वो ऐसा ही है, जो जाहिर सी बात है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है मुझे, गलत बात नहीं आ रहा. तो लेकिन ये बात आप जब करना जब आप खुद यहाँ से जीत के जाओ. मैं जीत के जाऊंगा इंशाल्लाह. कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं, कभी कभार आपको लेकर डूबता है. लेकिन इन्होंने भी बात सही की, ये बात तब करना जब यहाँ से जीत के जाओ. तो आपको एक तड़ी दी है इन्होंने, तो फिर जीत के दिखाना. 3 लोग बच गए यहाँ से, रीबा आप हो इनकी इलिमिनेट. राउंड 8 की तरफ आप नहीं बढ़ पाएंगी. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ. आखिरी खिलाड़ी कौन? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरीबा. जैसा कि आप लोगों ने देखा इस गेम में मैंने काफ़ी अच्छा प्ले किया. एक दो सवालों के जवाब तो सबने ही गलत दिए थे, मैंने भी दिए, मगर उसको वीक पॉइंट बना के मुझे निकाल दिया गया. टीम वर्क कहा जा रहा था बार बार, टीम वर्क टीम वर्क टीम वर्क, तो टीम वर्क आप लोग देखें ये होता है किस तरह एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर को बाहर कर देते हैं, इसे कहते हैं टीम वर्क. वो नहीं था जो हम खेल रहे थे, लेकिन बार बार मुझे सब कह रहे थे टीम वर्क टीम वर्क, तो मैं वो टीम वर्क नहीं कर रही थी, ये था टीम वर्क. कामरान, साउद, यूसुफ, मुकाबला आप तीनों के बीच में राउंड 8
की तरफ बढ़ रहे हैं और राउंड एट में 30 लाख का टॉप प्राइज देंगे। इससे पहले कि हम राउंड एट के बारे में बात करें, पीछे के राउंड के बारे में बात करते हैं, जहां 20 लाख का टॉप प्राइज था और आपने 20 लाख में से सिर्फ 45,000 रुपए बैंक किए हैं। पिछला अमाउंट था 1,49,500 का, इस दफा के 45,000 टोटल हो गया 1,94,500 रुपए इस वक्त आपके बैंक में। आप लेकर बढ़ रहे हैं राउंड एट की तरफ। राउंड एट में 30 लाख रुपए का टॉप प्राइज मनी ट्रेल आपको समझाती हूँ। पहला सवाल होगा 5,000 के लिए, दूसरा सवाल 25,000 के लिए, तीसरा 50,000, चौथा 2.5 लाख, पांचवा 7.5 लाख, छठा 15 लाख के लिए, सातवा 25 लाख, फाइनली आठवां 30 लाख रुपए का इनाम। किस्मत बदल सकता है, जहां प्राइस 30 लाख का है वहां वक्त हो जाएगा कम। 2 मिनट से 10 सेकंड ले ले तो 1 मिनट 50 सेकंड का वक्त। आर यू रेडी? ऑल द बेस्ट टू ऑल थ्री ऑफ यू। शुरू करते हैं राउंड नंबर एट। यूसुफ, आंख से हम दुनिया को हर जाविये से देख सकते हैं, आंख का वो कौन सा हिस्सा है जो विजन में काम आता है? रेटिना। करेक्ट कामरान। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पहले न्यूज़पेपर न्यूज पहुंचाने का बेहतरीन तरीका था। कायदे आजम ने कौन सा न्यूज़पेपर शुरू किया था? द डाउन पेपर। करेक्ट। साउथ न्यूयॉर्क या सिडनी, वो कौन सा शहर है जो 2024 का ओलंपिक होस्ट करेगा? न्यूयॉर्क। करेक्ट। यूसुफ, हम सब अमन से रहना चाहते हैं, दुनिया की सबसे पीसफुल कंट्री कौन सी है? आइसलैंड। करेक्ट। कामरान, बैंक सामने तस्वीर आ रही है, तस्वीर देखकर क्रिकेटर का नाम बताएं। इमाद वसीम। करेक्ट। साउथ, किसके दरमियान में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिस्प्यूटेड बॉर्डर लाइन वाके है? चाइना एंड इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, चाइना इंडिया एंड नेपाल। चाइना इंडिया एंड नेपाल। गलत जवाब, चाइना एंड इंडिया। यूसुफ, सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस एंटोनियो गुटेरेस, इनका ताल्लुक कहां से है? पुर्तगाल। करेक्ट। कामरान, ह्यूमन बॉडी में इंटेस्टाइन दो हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई फीट में कितनी होती है? अबाउट 5 फीट। करेक्ट। साउथ, यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपियन यूनियन किस सन में छोड़ा था? 2019, 2020, 2021 या फिर 2022? 2020। करेक्ट। यूसुफ, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? लोवो म्यूजियम। करेक्ट। कामरान, बैंक वो कौन सी कंपनी है जो सैटेलाइट सिस्टम पे काम कर रही है, जिसके जरिए उनकी डिवाइसेस डायरेक्ट सैटेलाइट से इंटरनेट हासिल करेंगी? एप्पल। करेक्ट। साउथ, पहला एंड्रॉइड फोन HTC ड्रीम ने किस सन में लॉन्च किया था? 1957। गलत जवाब, 2008। हम दांतों को टूथब्रश से साफ करते हैं, बताएं कि टूथब्रश कब इन्वेंट हुआ था? 1770। करेक्ट। यहां आपके 1 मिनट 50 सेकंड का वक्त पूरा होता है, अभी वक्त है वोट आउट करने का। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही, चेन भी काफी अच्छी चली, बैंक की आवाज भी काफी दफा सुनाई दी गई। अब देखना यह है यूसुफ, सऊद और कामरान में से कौन होगा वो कंटेस्टेंट जो फाइनल राउंड में हमारे साथ नहीं होगा। कामरान, साउद, यूसुफ, नाम मेरे पास यहां मौजूद है। कोई गलती की थी इस राउंड में कामरान? मैंने तो नहीं की थी। साउद, आपने? नो मैम। आपसे कोई गलती हुई है यूसुफ? मुझसे तो कोई गलती नहीं हुई। पक्का? पक्का, आई एम श्योर। मैम, मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए और मैं चाहूंगा कि मैं जीत के यहाँ से जाऊं। कामरान, मैं तो चाह रही थी कि आप जीते, मैं तो चाह रही थी कि अरीबा आपको तड़ी देकर गई है कि इतना कह रहे हैं तो जीत कर दिखाएं, लेकिन अगर राउंड एट से आप इस तरह चले जाते हैं तो जीत तो नहीं पाएंगे। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। दैट इज इट फॉर नाउ, क्योंकि आप इधर ही हैं साउद, आप जा रहे हैं बाहर। दोनों वोट्स आपके खिलाफ हैं, दोनों कंटेस्टेंट्स आपके खिलाफ हैं। मैम, स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हूं ना, इस वजह से। जो भी वजह है, टफ टाइम दिया हमें, अच्छा खेले हैं, लेकिन आखिरी राउंड में आप ज़रा डिजर्व नहीं करते।
ओके मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बहुत शुक्रिया। बोल चले ने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि हम यहाँ आएँ और यहाँ खेलें, और इस तरह से मतलब लाइक यहाँ की जो होस्ट हैं हुई सनम जंग, वो बहुत अच्छी हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, और लाइक ये एक शो जो है वो क्वेश्चन आंसर्स का शो है, लाइक क्विज कंपटीशन की तरह। तो जो भी एजुकेटेड हैं अभी, जो यूथ है, वो आए और यहाँ पे अपना टैलेंट शो करें। पिछले हैं 1,94,500 इस राउंड में, यानी राउंड 8 में आपने जमा किया 5,00,000 रुपए, कुल मिलाकर 6,94,500 रुपए, बड़ा अमाउंट आप राउंड 9 की तरफ लेके जा रहे हैं। इसके हकदार या तो आप होंगे यूसुफ, या तो कामरान आप होंगे। एक से लेके 8 राउंड्स तक, यानी 10 कंटेस्टेंट, यानी 8 से लड़े, 8 को किया एलिमिनेट, और सामने 2 विनर्स मौजूद है। लेकिन आप में से कोई एक होगा एलिमिनेट, आप में से कोई एक कहलाएगा खिलाड़ी, आप में से कोई एक कहलाएगा अनाड़ी, वो कामरान आप होंगे या फिर यूसुफ आप। डिसीजन आपका है। खेलना कैसे है? राउंड 1 से लेकर राउंड 8 तक जैसे आपने खेला वैसे नहीं खेलना, यानी पास की गुंजाइश नहीं है। गलत जवाब देंगे तो हारेंगे। बैंक, बजर, ये सब इस राउंड में बिल्कुल भी नहीं है कामरान। सिर्फ अकल चलानी है, सिर्फ और सिर्फ सही जवाब, या तो जवाब सही है या तो जवाब गलत है। कोशिश करें जवाब सही हो ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे आप लेकर जाएं। ये राउंड किसी भी अमाउंट के लिए नहीं है, ये राउंड सिर्फ उस अमाउंट के लिए जो आपने पहले से लेके 8वें राउंड तक जमा किया, यानी 6,94,500 रुपए के लिए आप खेल रहे हैं। लेकिन आखिरी खिलाड़ी कौन आपको मौका दे रहा है 6,94,500 को 3 गुना ज्यादा करके घर ले जाने का, यानी 20,83,500 रुपए आप ले जा सकते हैं। कैसे? अगर आप 1.5 मिनट के अंदर सवालों के जवाब दे देते हैं, और 1.5 मिनट के अंदर अगर डिसाइड हो जाता है कामरान या फिर यूसुफ विनर, तो वो लेके जाएगा 20,83,500 रुपए। लेकिन अगर विनर डिसाइड होने में वक्त लगता है, यानी 1.5 मिनट से ज्यादा लगता है, तो फिर कोई बात नहीं, तब भी आप लेकर जाएंगे 6,94,500 रुपए। अब क्या हुआ कामरान? कंफ्यूजिंग शुरू हो गई है अचानक, कंफ्यूजन शुरू चल रहा है काफी। लेट्स सी, राउंड 9 में बिल्कुल भी कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। बट आई कैन टेल, जब इतने पैसों की बात है तो बंदा कंफ्यूज होता है। ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू, और अरीबा कह के गई है, सो लेट्स सी के होता क्या है। ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू, लेट द बेस्ट वन विन। हम ढूंढ रहे हैं आखिरी खिलाड़ी कौन, आखिरी खिलाड़ी कौन। राउंड 9, 1.5 मिनट का वक्त शुरू होता है अब। यूसुफ आपसे पहला सवाल, लॉज ऑफ मोशन, जिस्म पर अमल करने वाली कुवत और जिस्म की हरकत के दरमियान ताल्लुक को बयान करता है, ये लॉ किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? सर आइज़क न्यूटन। कामरान, कायरो एंड केप टाउन में से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी सिटी कौन सी है? केप टाउन। गलत जवाब। यूसुफ, इलॉन मस्क की बहुत सी कंपनीज है, उनकी किसी भी एक कंपनी का नाम बताएं। स्पेसएक्स। करेक्ट। कामरान, दुनिया का कौन सा मुल्क वेपन्स का टॉप सप्लायर है? रशिया। करेक्ट। यूसुफ, कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है? सऊदी अरेबिया। करेक्ट। कामरान, नाइट स्काई में कौन सा प्लैनेट रेडिश लगता है? वीनस। गलत जवाब, मार्स। यूसुफ, गैलीलियो गैलीली ने 1610 में किस प्लैनेट पे 4 मून्स डिस्कवर किए थे? जुपिटर। सही जवाब। और यहाँ वक्त को रोकते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं कि आप दोनों का स्कोर क्या है। 5 सवाल टोटल आपसे और 5 आपसे करने थे, इस वक्त देखते हैं कि हो क्या रहा है। 3 यूसुफ ने सही दिए, 1 सिर्फ कामरान ने सही किया। अगला सवाल फैसला कर देगा कि जीत कौन रहा है और हारेगा कौन। अब सवाल कामरान की तरफ है, वक्त पॉज है, कंफ्यूजन आपके चेहरे से नजर आ रही है। टेक अ डीप ब्रेथ, यू कैन डू इट। रिज्यूम करूं वक्त को? रिज्यूम करते हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या है? करेक्ट। मुकद्दस सरजमीन। यूसुफ, कराची लाहौर मोटरवे की टोटल लेंथ क्या है? 2000
2000 किलोमीटर गलत 1100 किलोमीटर पॉज करते हैं वक्त को इधर कामरान मैंने 5 सवाल कर लिए यूसुफ से 3 उन्होंने सही जवाब दिए 2 गलत आपसे मैंने 4 सवाल किए जिसके आपने 2 सही जवाब दिए और 2 गलत ये आखिरी सवाल है आपसे या तो टाई हो जाएगा अगर आपने सही जवाब दिया तो आप दोनों 3 सही जवाब पे खड़े होंगे यानी कि टाई टाई ब्रेकर सवाल आपसे पूछा जाएगा लेकिन अगर आपने गलत जवाब दिया तो विनर होंगे यूसुफ अब आप ये लड़ रहे हैं अपनी जीत के लिए आर यू रेडी यस रिज्यूम करते हैं बेसबॉल गेम में ऑपोजिट टीम्स में टोटल कितने प्लेयर्स होते हैं 7 गलत जवाब टोटल 9 प्लेयर्स होते हैं और इसी के साथ यूसुफ आप जीत गए 20,83,500 रुपए बहुत बहुत मुबारक हो इतना बड़ा अमाउंट कामरान यू प्लेड रियली वेल बट यूसुफ यू डिजर्व्ड इट इसके साथ यहाँ आखिरी खिलाड़ी कौन जिसकी हमें तलाश थी वो यूसुफ हमें मिल गए हैं बहुत बहुत मुबारक हो और यहाँ हमारे एपिसोड का वक्त होता है ख़त्म हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में कुछ नए कंटेस्टेंट्स के साथ कुछ नए सवालात के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखें मुझे मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़ देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन खिलाड़ी कौन बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें